काफी यूरोपियन लग रहा है जो यहाँ पे रोड्स हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू बाकू। आज हम अपने टूर का दूसरा दिन शुरू करने जा रहे हैं बाकू में, जो कि होने जा रहा है कि सिटी टूर होगा और ये काफ़ी वॉकिंग टूर होने वाला है ओल्ड सिटी का, तो वो आज हम लोग करेंगे। देखते हैं ये ओल्ड सिटी जिसमें काफ़ी हिस्ट्री है। अगर लोग पूछते हैं कि आप बाकू क्यों जा रहे हैं या बाकू क्यों जाना जाता है, तो बाकू या अजरबैजान जो कि सिल्क रूट कहा जाता था, जो कि मिडिल ईस्ट से यूरोप से होते हुए चाइना तक जाता है, उस रूट के बीच में अजरबैजान आया करता था। तो काफ़ी प्रोमिनेंट सेंटर था ट्रेड का। बहुत सारे लोग जानते हैं कि दुबई या यूएई जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वहाँ पे तेल की काफ़ी उपज होती है, नेचुरली धरती से काफ़ी तेल निकलता है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि अजरबैजान भी तेल के लिए काफ़ी जाना जाता है। बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज है यहाँ पर, जो मेजर इंडस्ट्री है अजरबैजान का वो भी ऑयल इंडस्ट्री ही है, तो जिसकी वजह से आज ये काफ़ी फेमस है। तो काफ़ी अच्छा था। कल शाम को तो बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी कि सच में आ करके मैंने वीडियो भी एंड नहीं किया। सर में दर्द था, बस आया रूम में और सो गया। तो आज थोड़ा सा और फ्रेशनेस के साथ में एक्सप्लोर करेंगे बाकू को। होटल ठीक है, थोड़ी सी सर्विस का इशू है यहाँ पे, है होटल एटलस में। रूम सर्विस बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, कई बार फ़ोन करने के बाद भी ये सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो ये एक थोड़ा सा इशू है। बट कोई बात नहीं, जब हम ट्रैवल करने आते हैं, जब हम कहीं घूमने आते हैं, तो तरह तरह की चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं। बट नेवर माइंड, अच्छा शहर है, अच्छे लोग हैं अजरबैजान के। चलते हैं और कुछ एक्सप्लोर करते हैं। ये है पूरी लॉबी यहाँ की, होटल की हमारी लॉबी है। ये है अजरबैजान का ओल्ड सिटी, इसके अंदर हम लोग एंटर करेंगे। वहाँ वो जो गेट्स दिख रहे हैं, उन गेट्स के थ्रू हम अंदर जाएंगे और फिर देखते हैं ओल्ड सिटी कैसा है यहाँ पे। ये है, इस वक्त हम लोग वॉक कर रहे हैं ओल्ड सिटी ऑफ बाकू। काफ़ी यूरोपियन लग रहा है जो यहाँ पे रोड्स हैं वो कुछ इस तरीके से पेव्ड हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप काफ़ी लोकल डेलिकेसीज टेस्ट कर सकते हैं। तो जो पूरा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये पूरा काफ़ी कुछ इस्लामिक, रशियन, सोवियत और जितने भी सेंचुरीज पास हुई हैं, उन सब की थोड़ी थोड़ी सी जो झलक है वो इन सारी बिल्डिंग्स में हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। इस तरीके की सोवेनियर शॉप्स बहुत सारी हैं, जो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें खरीदने पर मजबूर करती हैं बाकू के ओल्ड सिटी में। ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो एक आर्ट एग्जीबिशन जैसा लगता है। बहुत सारी यहाँ पे वॉल पेंटिंग्स हैं और बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं इस पूरे ओल्ड सिटी में। तो बहुत ही खूबसूरत ये पैलेस यहाँ पे बना हुआ है, समरकंद पैलेस जैसा। और अगर हम इस टावर की बात देखें यहाँ पे, तो इस टावर के ऊपर यहाँ पे कुछ उर्दू में या अरबिक में लिखा हुआ है, कुछ इंस्क्रिप्शन है, जो कि इस्लामिक आर्किटेक्चर का काफ़ी प्रोमिनेंट हिस्सा है। हमको तो मीनार में हुमायूं टूम, ताजमहल, सब जगह इस तरीके के स्क्रिप्शंस देख सकते हैं। अच्छा, अजरबैजान घूमने का ये बहुत अच्छा समय नहीं है, गर्मियां हो रही हैं, अप्रॉक्सीमेटली 36-37 डिग्रीज़ का टेम्परेचर है। अगर हम यहाँ सर्दियों में आते हैं तो काफ़ी अच्छा वेदर होगा। और बहुत ही सामने मेरे जो है कैस्पियन सी बहुत सुंदर नज़ारा आने वाला है, अभी वहाँ से देख सकते हैं सामने कैस्पियन सी का नज़ारा। ये जो पीछे हम देख रहे हैं यहाँ पे दीवार पे, पूरी 3D पेंटिंग बना रखी है, विंडोज़ हैं, बालकनीज़ हैं, ये पूरा 3D। और उसी तरीके से वो सामने अगर दिख रहा है
तो वो भी बिल्कुल 3D पेंटिंग, बालकनी बना हुआ है, कोई इंसान सामने से झांक रहा है। ये बहुत ही अच्छा एक मिश्रण है, बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है ओल्ड टाउन का। और ये सामने अगर हम देखें तो ये जो फ्लेम टावर्स हैं ये आ जाता है न्यू सिटी या न्यू टाउन ऑफ बाकू। और ये मेरे पीछे है मेडेस टावर, क्वाइट फेमस, जो कि 12th सेंचुरी में बनाया गया था और काफ़ी अच्छा म्यूजियम है इसके अंदर। तो जैसे आप ओल्ड सिटी में एंटर करते हैं वहाँ से, उसके बाद यहाँ पे कुछ होटल्स हैं, तो अगर आप ओल्ड सिटी में रुकना चाहते हैं तो ये कुछ होटल्स हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं। द मिस्ट, शाह पैलेस, मिस्ट तो टेरेस एंड रेस्टोरेंट का नाम है, शाह पैलेस है होटल का नाम। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब था ये ओल्ड सिटी, बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पर काफ़ी कुछ पर्शियन आर्किटेक्चर, पर्शियन आर्ट एंड डिज़ाइन, काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस है उसका यहाँ पर, और इस्लामिक आर्किटेक्चर नो डाउट एंड इस्लामिक आर्ट एंड क्राफ्ट, उसका बहुत अच्छा मिश्रण है यहाँ पर। और 12th सेंचुरी से लेकर के 16th-17th सेंचुरी तक की चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा ख़त्म होता है ओल्ड सिटी टूर। हाय, सिटी टूर बहुत अच्छा था, गुड, मज़ा आया, हल्की हल्की गर्मी है, फुल एंजॉय। गर्मी हो रही है, टेम्परेचर थोड़ा सा 36-37 डिग्री के आसपास है और धूप भी है, बदली है, पर अच्छा था ये पूरा देख के, अच्छा लगा था, एक अलग सा एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा था कि हम लोग 15वीं-16वीं शताब्दी में चले गए। ओल्ड शताब्दी, ओल्ड मेमोरीज, रिमेंबर, सब लोगों ने एंजॉय किया। अब यहाँ से लोग निकलते हैं और निकलेंगे फिर लंच के लिए। लंच करने के बाद कर लिया गया थोड़ा आराम। अब आ चुके हम लोग निज़ामी स्ट्रीट। तो ये जो पूरा हम देख रहे हैं आसपास, ये सब है निज़ामी स्ट्रीट। काफ़ी बिजी मार्केट प्लेस है, काफ़ी सारे खाने के, शॉपिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर सारे पॉश हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव है। निज़ामी स्ट्रीट वन ऑफ दी मोस्ट व्यूड स्ट्रीट है बाकू की, तो वही देखेंगे। ये है यहाँ का हार्ड रॉक कैफ़े, इसी के साथ में यहाँ पे काफ़ी फेमस द शेक्सपियर बार, कॉफ़ी एंड बिस्ट्रो। तो ये था पूरा निज़ामी स्ट्रीट, ये हमने देखा, घूमा, काफ़ी अच्छा है। इट्स एन ओपन एयर मार्केट जहाँ पे आप घूम के, टहल के बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिसके आप फ़ायदे, बहुत सारे एंजॉयमेंट आप कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अब हम लोग यहाँ से निकल करके जाएंगे डिनर के लिए। अगेन वी आर गोइंग टू इंडियन रेस्टोरेंट। तो हम यहाँ का जो लोकल डेलिकेसीज हैं, जो लोकल डेलिकेसीज है वो हम एंजॉय ज़्यादा नहीं कर पाते हैं इंडियन ग्रुप्स के साथ में, जब हम फॉरेन लोकेशंस पर ट्रैवल करते हैं। बट इंडियन फूड इज़ ऑल्सो गुड, हैविंग इंडियन फूड इन फॉरेन लोकेशन इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो सबवे से क्रॉस करते हैं रोड। तो ये है रोड और इस सबवे से क्रॉस करके निकलेंगे दूसरी साइड।